नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं अदिति, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। आखिरकार देश में विधानसभा और कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। मंगलवार यानी 4 मई 2021 को चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 22 पैसे डीजल 25 पैसे महंगा हुआ है। ऐसे में अब पेट्रोल की दर 96.98 प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 89.45 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रीमियम पेट्रोल की दर एक बार फिर 100 के पार पहुंच गई है। दिलचस्प है कि चुनाव के दौरान पिछले कई दिनों से तेल के दाम नहीं बढ़े थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार में खूब उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसका असर तेल के घरेलू दामों पर नहीं दिखा। अभी शनिवार को ही ATF यानी विभाग ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिसके बाद यह जाहिर हो गया है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ेगी। और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां आज पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे महंगा हुआ है। आज की बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.55 रुपये प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल 80.91 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल 96.95 रुपये प्रति लीटर हो चुका है और डीजल की 87.98 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 92.55 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.90 प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 90.76 रुपये और डीजल की कीमत 83.78 रुपये प्रति लीटर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के पास रणनीति का पूरी तरह अभाव है। ऐसे में अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने के साथ ही कमजोर तबकों को सीधी आर्थिक मदद दी जाए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अब पूर्ण लॉकडाउन का ही विकल्प बचा है, तथा इसके साथ ही कमजोर तबकों की सुरक्षा के लिए न्याय न्यूनतम और गारंटी दिया जाए। भारत सरकार की निष्ठिया क्रिया के बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान बचा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के पास रणनीति का पूर्ण अभाव है, इसलिए लॉकडाउन एकमात्र विकल्प बचा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने वायरस को इस तरह स्तर में पहुंचाने की मदद की है और इसको रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भारत के खिलाफ अपराध किया गया है। गौरतलब है कि भारत में कोविड-19 में एक दिन में 357,229 नए मामले सामने आए हैं और 3,449 लोगों की जान गंवाई है। इसके साथ ही संक्रमण में कुल मामले 2,02,82,833 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 2,22,408 तक पहुँच गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नया घर बनाने की बजाय लोगों की जान बचाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13,000 करोड़ के प्रधानमंत्री का नया घर बनवाने की बजाय सारे संसाधन लोगों की जान बचाने में काम में डाले तो बेहतर होगा। प्रियंका ने कहा कि इस तरह के खर्चों से जनता को यह संदेश जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं किसी और देश में हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CWD में सरकार द्वारा गठित इस विशेषज्ञ समिति को बताया कि महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। समिति ने परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दी है। इस परियोजना को विकसित कर रहे CPWD विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति EEC को सूचित किया गया है कि संसद की इमारत में विस्तार और संसद की नई इमारत का निर्माण नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री आवास का निर्माण 2022 पर पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई 24 कोविड मरीजों की मौत पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 कोविड मरीजों की मृत्यु की सूचना बेहद दुखद है। इस अत्यंत कठिन समय में ईश्वर उन्हें यह आघात सहन करने में संबल प्रदान करे।
और उन्होंने कहा कि देश में कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों के मरने का हृदय विदारक खबरें आ रही है। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बेहद व्यथित करने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि कृपया स्थिति की गंभीरता को समझे, देश भर में कहीं भी ऐसे हालात न बनने दे कि एक भी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से व्यवस्था स्तर पर प्रबंध में होना कारण हो जाए। और गहलोत ने कहा कि मैं राजस्थान को लेकर भी केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर रहा हूं कि राज्य में संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है। हम पुनरूप केंद्र में निवेदन कर देंगे कि राजस्थान की सहायता करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने। हमारे लिए एक एक व्यक्ति की जान कीमती है। उन्होंने कहा कि राज्य संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के लिए ऑक्सीजन एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली में कोविड 19 के प्रकोप के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। इसके तहत दिल्ली में करीब 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक व टैक्सी चालक हैं उन सभी को 5,000 रुपये की मदद देगी। इसका फायदा दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 महीने तक मुफ्त में राशन मिलने का ये मतलब नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। यह सिर्फ वित्तीय मुद्दों से गुजर रहे गरीबों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी हो गया है ताकि कोरोना के केसों में कमी आ सके, लेकिन लॉकडाउन गरीबों के लिए बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है, खासकर दिहाड़ी मजदूरों और उनके लिए जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इसलिए इनके लिए घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान अपील की है कि कोरोना के कारण दिल्ली में मुश्किलें वक्त है और इसे जो लोग किसी भी की भी मदद कर सके उन लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी को खाना पहुंचाना है, बेड, सिलेंडर या किसी और भी चीज़ की मदद कर पाएं तो करें। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के कारण तबाही मची हुई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा केस और 400 से अधिक लोगों की जान जा रही है। बीते 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वह कुछ हद संतोषजनक कह दिए जा सकते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना में 18,043 नए मामले सामने आए हैं और 448 लोगों की मौत हुई है। अब दिल्ली में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 89,592 हो गई है। बीते 24 घंटों में 20,953 लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस समय दिल्ली में 50,441 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। ट्विटर ने नफरती आचरण एवं अपमानजनक व्यवहार नीति का उल्लंघन करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ट्विटर ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी कि 34 वर्षीय अभिनेत्री के अकाउंट एवं कंगना टीम का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें संदेश लिखा हुआ था कि रनौत कथित तौर पर भड़काऊ ट्वीट करने पर जारी करती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा पर ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस की जीत पर चुनाव बाद हिंसा को लेकर कई पोस्ट की है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए अभिनेत्री ने हिंसा के लिए बनर्जी को कसूरवार ठहराया था और उन्हें ऐसे नामों से संबोधित किया था जिनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ट्विटर ने एक बयान में कहा कि हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम उस व्यवहार में कड़ी कार्यवाही करेंगे जिनसे ऑफलाइन नुकसान को पहुंचाने की आशंका है। प्रवक्ता ने बताया संदर्भित अकाउंट को ट्विटर में नियमों, खासकर हमारी नफरती आचरण नीति और अपमानजनक नीति को बार बार उल्लंघन करने के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सब पर विवेकपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष रूप से ट्विटर नियमों को लागू करते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच IPL को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। पहले कुछ दिनों में IPL की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद BCCI ने यह फैसला लिया है। टीम के खिलाड़ियों और सदस्यों के लगातार पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना के संक्रमण काल में BCCI ने मजबूत बायो बबल का हवाला दिया था, जिसके बाद 29 मैच की सफलतापूर्वक कराए जा सकें। चेन्नई और मुंबई के चरणों में सभी मैच पूरे हुए, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीजन के 30वां मैच नहीं खेला जा सकेगा। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी अदिति को दीजिए विदा। नमस्कार।